तो हो चुका है दूध का टाइम और मैं आपके लौट कर मिलती हूँ। गाय की रोटी ले ली है। बहुत अच्छी अच्छी सी मॉर्निंग हो रही है। कभी भी बारिश हो जाती है, हल्की हल्की सी फुहारें आ जाती हैं और सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। तो दोस्तों, रात को लगा लिया था मैंने तेल और मेरे बालों में, मतलब अच्छे तरीके से। मैं रात को जब भी तेल लगाती हूँ तो रात को रात भर लगा कर सोती हूँ, ताकि वो रात भर मतलब हमारी स्किन के अंदर रहे। और इसे लगाने से बाल हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से मैं लगा नहीं पाई थी, बाल बहुत ड्राई हो रहे थे और इतनी मतलब मेरे को बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मैं इसी को लेकर हॉस्पिटल भी गई थी। तो लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। और इतना मतलब मैंने तेल लगाया रात को, तो मैं वो आपको सब दिखा रही थी। मैं इस तरीके से देखिए जूड़ा बनाकर अपना सो जाती हूँ और रात भर तेल लगा रहता है। और अब सुबह मॉर्निंग में मैं दूध लेकर आऊँगी, नहाऊँगी, उसी के साथ साथ मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट से नहाकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी तीज। आज है तीज का त्यौहार, जो कि बहन बेटियों का त्यौहार माना जाता है और बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो इसके दिन, इस दिन पकवान बनते हैं और झूले झूले जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और सब चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। तो ये भी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तीज का त्यौहार। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी तीज। तो दोस्तों, नहाने के बाद मैं सीधा जाती हूँ पूजा करने के लिए। और आज है तीज का त्यौहार, तो मैंने भगवान को दीप धूप फूल वगैरह चढ़ाए। तो पूजा करके लगता है मेरी जो दिन की शुरुआत है वो पूजा से ही होती है। पूजा करने के बाद ही मैं मुँह झूठा करती हूँ। लोग होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मुझे थायराइड हो गया था और इसी कारण मैं बीच में ब्लॉग्स नहीं बना पाई। तो चलिए, दोबारा से आ चुका है सावन का महीना और सावन के महीने में भी आ चुका है तीज का त्यौहार। तो अब तो मिलेगा खाने को घेवर। घेवर खाने से हम सब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, पहली बात तो। चलिए करते हैं शुरुआत अपने ब्लॉग की। तो फ्रेंड्स, आ चुका है सावन और सावन से ही सारे जो हमारे त्यौहार हैं उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। आज तीज है, थोड़े दिनों के बाद रक्षाबंधन आएगा और इस तरीके से फेस्टिवल्स आते रहेंगे और हम सब इंजॉय करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे थायराइड हो गया था, तो इसीलिए मैं बीच में थोड़ी सी मतलब ब्लॉग्स नहीं बना पाई। अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। तो जल्दी जल्दी से, अब आज है तीज, तो आप लोग बताइए कि आपके घर में क्या बन रहा है। तो मेरे घर में बन रहा है, मैं बनाऊँगी आलू की कचौड़ी और दही, चटपटी सी, मज़ा आ जाएगा खाकर। और दूसरा बनाऊँगी मूँग की दाल का हलवा। वैसे हम खीर भी बना सकते हैं बट मूँग की दाल का हलवा काफ़ी टाइम से नहीं बना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मूँग की दाल का हलवा बना लिया जाए। तो आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी और मूँग की दाल का हलवा। और आलू की कचौड़ी हम खाएंगे दही के साथ, जो लगती है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। और बाजार जाना नहीं हुआ इसलिए मैं धनिया नहीं ला पाई, तो धनिया की चटनी और होती तो बहुत ही मज़ा आ जाता, यम्मी यम्मी हो जाता, तो बहुत अच्छा लगता। तो पूरा दिन आज तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि तीज पर हम सब सब नई नई चीज़ें पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, झूला झूलते हैं और करते हैं ढेर सारा इंजॉय। तो हम सब भी करेंगे मिलकर ढेर सारा इंजॉय। देखते हैं हमारी सोसाइटी में या हम किस तरीके से, आज मैं आपके साथ मतलब आपको कुछ दिखा पाती हूँ, तो किस तरीके से हम इंजॉय करेंगे, कौन कौन लोग हमें मिले और किस तरीके से हम करेंगे इंजॉय। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत तीज की मुबारकबाद। और खाएंगे हम ढेर सारा घेवर, मिठाइयाँ, अब तो भरपूर मिठाइयों का मौसम आ गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे को आपको बताना था कि मुझे हो गया थायराइड में हमारी जो बॉडी है वो फूल जाती है और मीठा खाने का भी टाइम आ गया, और इसीलिए तो मेरा तो और भी डर लग रहा है कि मैं मतलब मीठा खाने से अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी, क्योंकि घेवर देख के आ जाता है मुँह में पानी और घेवर होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मैंने यहाँ हमारी जो ओल्ड में एक फेमस दुकान है रघुवर दयाल की, मैंने अपने बेटे से मंगा लिया था घेवर, क्योंकि आज है तीज का त्यौहार, तो हम तो खाएंगे ढेर सारा घेवर। भैया देखो, शरीर फूलता है तो फूले, अब लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता ही है ना भाई, त्यौहार तो मुश्किल से त्यौहार आए हैं, इतनी गर्मियों के बाद, इतने संघर्षों के बाद तो त्यौहार आए हैं। तो अब हम करेंगे दिल खोल कर इंजॉय। और आज के दिन लगती है मेहंदी, औरतें पहनती हैं चूड़ियाँ और
झूला झूलती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, गाने गाती हैं, इंजॉय करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, तो हम भी करेंगे आज अपने ब्लॉग में ढेर सारी बातें। तो आज हमारे घर में बनने जा रहा है, सबसे पहले क्या बनने जा रहा है, आलू की कचौड़ी और दही और मूंग की दाल का हलवा। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में। पता है आपको, मेरा बेटा ना बड़ा बदतमीज है, वो इतना ज़्यादा मीठा खाता है, इतना मीठा खाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे डॉक्टरों ने, जैसे मैं हॉस्पिटल होकर आई हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको मीठा नहीं खाना है, पैकिंग वाले आइटम नहीं खाने हैं, बिस्किट्स वगैरह नहीं खाने हैं, क्योंकि जितना शरीर हमारा फूलता है उतनी हमारे अंदर डिजीज़ आती है, और जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं, हेल्थ केयर सबसे पहले है। तो हमें जो भी करना होगा अपने शरीर को देख के खाएं, अपना मतलब थोड़ा सा हमें अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं भी ट्राई करूँगी, पर आज नहीं, आज है तीज का त्यौहार तो आज कोई कंट्रोल नहीं, तो मैं तो खाऊंगी ढेर सारी कचौड़ियाँ दही के साथ गर्मा गर्म, और आने वाला है यम्मी वाला मज़ा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने बनाई हैं कचौड़ियाँ। अभी तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं किचन में, तो दिखाती हूँ आपको कि मैंने किचन में किस तरीके से आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और साथ ही साथ हमने भिगो दी थी मूंग की दाल, इसको थोड़ा सा मैं इसको ड्राई करूँगी, और उसके बाद इसको थोड़ा पीस के फिर बनाएंगे हलवा। तो आलू बॉयल, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को खुश रखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। बस यही एक ज़िंदगी का फार्मूला है। मैं हॉस्पिटल लोग कराई हूँ, मैंने देखे हैं वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बेचारे जो अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो दुखी उसमें जूझ रहे हैं। तो मैंने तो यही ज़िंदगी से सीखा है कि खुश रहो, मस्त रहो, और जो स्वस्थ रहो और जो हो रहा है उसे होने दो, खाओ पियो रहो मस्त, और तो सब देखी जाएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था, और इस तरीके से मैंने इसे कपड़े पे निकाल लिया है, ताकि हम इसका जो पानी एक्स्ट्रा होता है ना वो कपड़े में आ जाएगा, और इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे मतलब पोंछ लेंगे, और कपड़ा जो पानी है वो इसका वो सोक कर लेगा, और इसको हमें एकदम ड्राई ड्राई पीसना है, इसको ना इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई पीसना है हमें। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा जो पानी है वो कपड़ा सोख लेगा, और इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि जो कपड़ा है अच्छे तरीके से पानी सोख ले। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने दाल को इस पे निकाल लिया था, तो अब इसको इस तरीके से धीरे धीरे करके पीस लेंगे, और ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, तरीके से बिल्कुल हमने गाढ़ी गाढ़ी सी पीसी है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी है, तो हमारी दाल बिल्कुल पिस चुकी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स मूंग की दाल का हलवा जब भी हम बनाते हैं तो इसे हम कढ़ाई में मोटे तने की कढ़ाई में तो इसको हम लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी, मूंग की दाल है इसको कर लेते हैं शीट। तो आप देखेंगे जब हम इसमें मूंग की दाल डालते हैं तो वो पहले नीचे तले में चिपकती है, और जब हम इसे थोड़ी देर तक चलाते हैं थोड़ी देर बाद एकदम ये सुनहरी हो जाएगी, दाने दाने बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें इसे बिल्कुल ही सिम गैस पे चलाना है और एकदम तसल्ली से ये बनाना है, तभी ये टेस्टी बनता है। तो इसके लिए इसे बिल्कुल सिम गैस पे हम चलाते रहेंगे, और कम से कम आधे घंटे तक का टाइम लगेगा हमें इसे भूनने में, बल्कि ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मूंग की दाल का हलवा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा इसमें घी पड़ता है, और लेकिन बनता भी उतना ही टेस्टी है। कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है, तो मूंग की दाल का फल तो बहुत ही मीठा होता है। तो इसे अपना मैं साथ के साथ आटा भी गूंद लूँगी, आलू भी तैयार कर लूँगी कचौड़ी के लिए, और सारे काम हमारे साथ के साथ होते रहेंगे। तो इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 चम्मच बेसन, इससे इसमें थोड़ी अच्छी सी अच्छा बन जाता है, अच्छा टेस्ट आता है, और इसको चलाते रहेंगे। और थोड़ी देर में ही आप देखना कि जो हमारी दाल है वो एकदम अलग अलग दाना दाना आपको दिखाई देगी, बहुत ही जल्दी से बनने वाला, और बहुत मतलब जल्दी से तो नहीं, बहुत आराम से बनने वाला हलवा है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और जब हम इसे गर्मा गर्म खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ मैंने अपने आलू बॉयल कर लिए, उन्हें छील लिया, और मैंने क्या कर लिया, मैंने आटा ले लिया है, उसमें मैंने डाल लिया अजवाइन और नमक, जो कि हम बनाएंगे कचौड़ी। और साथ ही साथ देखिए मैंने बिल्कुल सेम गैस कर रखी है, सेम गैस पर हम इसे दाल को पकाते जा रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अपने काम भी करती जा रही हूँ। तो ये देखिए पहले जो दाल है वो तने में चिपक रही थी, लेकिन अभी, और मेरी गैस बिल्कुल ही सिम है, बिल्कुल सिम,
और अब मैं साथ के साथ देखो आटा भी गूंद रही हूँ, और मैं मतलब जैसे मैंने आलू भी छीले तो ये बिल्कुल सेम गैस पे, क्योंकि जलने का तो कोई वो ही नहीं है, लेकिन हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से अंदर तक भुन जाएगी और सुनहरी होने तक हमें इसे भूनना है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट कचौड़ी का आटा भी लगा लिया। तो देखिए मेरा आटा भी गूंद चुका है और आलू भी छिल चुके हैं, और साथ ही साथ हमारी जो दाल है आप देखेंगे कि इसका रंग चेंज हो गया है, ये ब्राउनिश कलर्स में थोड़ी थोड़ी होने लग गई है, और कितना अच्छा सा मतलब इसमें और पूरा महक रहा है। और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह, काजू बादाम किशमिश वगैरह जो आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहें वो भी थोड़े, क्योंकि हम दाल को घी में भून रहे हैं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी हमारे साथ ही साथ थोड़े से भुन जाएंगे। इसमें मैंने डाले खरबूजे के बीज और काजू, और मतलब जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ड्राई फ्रूट से ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और बहुत अच्छा, देखिए आप अभी देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, एकदम सुनहरी कलर का ये हमारा दिखाई दे रहा है। तो जितना हमारी दाल है उससे डबल हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसको ये देखिए कितना मतलब आप देखिए कलर कितना ज़्यादा इसका अच्छा आया है। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं पर मैंने नहीं डाली है। तो इसको चलाते हुए हम इसको अच्छी तरीके से जो पानी है उसको कर देंगे मिक्स, और इसमें जैसे जब पानी डालते हैं थोड़ी थोड़ी गांठें बन जाती हैं, तो इसको हमें अच्छी तरीके से चलाते रहना है, और हमारे जो मतलब जब तक ये पानी एकदम सूख नहीं जाएगा जब तक हम इसे चलाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें मैं डाल रही हूँ, मैं चीनी नहीं डालती, मैंने खांड डाली है, तो आप जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। आप चीनी खाते हैं चीनी डाल सकते हैं, खांड साए खांड भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग तो गुड़ भी डालते हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आपको पसंद हो, वैसे जो खांड है वो भी शुगर फ्री होती है और ये हमारी हेल्थ को कोई हार्म नहीं करती, और हमारे घर की इतनी अच्छी स्वीट डिश हमारी ये रेडी होने जा रही है। पर इसमें मैंने देखिए अभी ऊपर से एक और चम्मच घी डाल दिया, जब हमारा हमने इसमें पानी डाला है ऊपर से घी और डाल दिया है, ताकि जो ये है ये देखने में एकदम बहुत ही ज़्यादा, आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो कलर है कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। और यकीन मानिए किचन में पूरी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कि बहुत ही ज़्यादा। और हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच गुलाब जल, उससे इसमें गुलाब जैसी खुशबू आएगी। और ये देखिए इसे हम उबाल आने तक अच्छी तरीके से चलाएंगे। साथ ही साथ चलिए मैं अपनी कचौड़ी के लिए ये तैयार कर लेती हूँ। मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और इसको मैंने कर दिया है फुल गैस पे ताकि पानी जल्दी से सूख जाए। और ये देखिए अब इसमें ये ड्राई होने लग गया है, और बिल्कुल अब ये जैसे रेडीमेड वाला जो हलवाई वाला हलवा होता है वो हमारा तैयार हो गया है। लेकिन इसमें भी एक है सीक्रेट कि जो हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं, जब ये हमारा हलवा बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो वो उसमें ऊपर से डालते हैं एक दो चम्मच मलाई, जो कि मैंने डाल दी है, और इससे वो दानेदार एकदम मिल्क केक की तरह इसमें टेस्ट आता है। और इस तरीके से हमारा जो मूंग की दाल का हलवा है बहुत ही स्वादिष्ट हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो आप भी जब भी आपका मूंग की दाल का हलवा बनाना चाहें आप कभी भी बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मैं बना लेती हूँ कचौड़ियाँ। तो मैंने बहुत ही चटपटी सी जो चटनी है आलू की वो तैयार कर ली, और सबसे पहले जो हमारी पूड़ी है वो उतरती है हमारे यहाँ गाय की। तो सबसे पहले मैं हमारे यहाँ गाय की पूड़ी उतरती है और भगवान को भोग लगता है, तो मैंने भी फटाफट से गाय की पूड़ी उतारी और साथ ही साथ अपनी जो कचौड़ियाँ थी वो तैयार कर दी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी भगवान को भोग। तो पहली पूड़ी हम निकालते हैं गाय के लिए, और उसके बाद मैं निकालूंगी भगवान का भोग। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया जाता है, तो मंदिर में भोग लगाने के बाद फिर मैं भी लगा दूंगी बेटी की थाली, क्योंकि कचौड़ी और ये सब तो गर्मा गर्म ही स्वाद लगते हैं। तो मैंने फटाफट से अपना जो खाना था वो तो बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से एकदम करारी जो कचौड़ी है उसके साथ दही है, और है मूंग की दाल का गर्मा गर्म हलवा, जो कि मतलब देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी भी बना है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि हमें बाहर से कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत है, जब मीठा खाने का हो मन तो आप घर में बनाया करें, क्योंकि घर में एक तो हम फ्रेश चीज़ बनाते हैं, साफ़ सफाई से बनाते हैं, और सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मेरे बेटे की मैंने लगा दी है प्लेट, और साथ ही साथ मैं अपनी भी प्लेट लगा लेती हूँ। तो आप सबने अपने तीज पर क्या बनाया क्या खाया प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज है तीज का मौसम, तीज का दिन, लेकिन हो रही है झराझर बारिश, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई मेला नहीं लगा और कुछ भी नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो बहुत कुछ देखो कितनी बारिश हो रही है।
बहुत तेज बारिश हो रही है बीच वाले दिन, तो इसलिए यहाँ पे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है हमारी सोसाइटी में। और कुछ दिन पहले मैंने तीज का एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि आप सब ने उनको बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन आज बारिश के कारण वो नहीं हो पाया। तो हमारी तीज पहले ही मन चुकी थी, हमने पहले ही मेला इंजॉय कर लिया था। तो ये एक मेरा छोटा सा ब्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप देख रहे हैं कितनी झराझर बारिश हो रही है, एक मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुक रही है। इसमें मेला लगना या झूला झूलना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी बारिश हो रही है। तो इस तरीके से मतलब हमारा दिन, तो इस तरीके से आज हमने बस पकवान बनाया, और ज़्यादा मेला हमारा यहाँ पे कोई मेला वेला नहीं लगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ रेगुलर बारिश होती रही, हल्की हल्की सी फुहार होती रही। तो इसलिए ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉग डाला है। तो सब अच्छे से, मेरी तरफ से सबको हैप्पी तीज, हैप्पी सावन, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा ब्लॉग डाला था, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड सेलिब्रेट तीज।